ये कानों में पड़ रहा भजन सीधे गंगोत्री धाम से है। चारों धाम में इन दिनों भक्तों की मौजूदगी देखी जा सकती है। हर रोज हर धाम में हजारों की संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। वहीं गंगोत्री धाम में भी रोजाना 10 से 12 हजार भक्त गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इस रिपोर्ट में आपको मंत्रमुग्ध करने वाले भजनों का एक अंश सुनाऊंगा, जिसे सुनने के लिए देश के कोने कोने से भक्तों की भीड़ गंगोत्री धाम में उमड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। आपको मैं सीधे लिए चलता हूं गंगोत्री धाम, जहां हमारे संवाददाता मौजूद है, और अब मंत्रमुग्ध करने वाले मधुर भजन आप सुनेंगे। गंगोत्री धाम है, ये आस्था के कई रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है हर श्रद्धालु जो है श्रद्धा से ओतप्रोत है, इंतजार कर रहा है अपनी बारी की कि किसी तरीके से वो गंगा मैया के दर्शन करवाए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी है। लेकिन आस्था के सामने सब कुछ फीका नजर आ रहा है। ये हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर जो है ये पुजारी है, तीर्थ पुरोहित है यहाँ के गंगा मैया के, और भजन के द्वारा अपनी आस्था का बखान ये कर रहे हैं। श्रद्धा यहाँ पर दिख रही है और श्रद्धा के सामने सब कुछ नतमस्तक है। आप भी आनंद लीजिए, दर्शकों से चाहूंगा कि वो भजन देखें और सुने। Let me know.
बणी वेद बोला चा उतर कसीमा बैठा भोला बाबा का दर्शन करी लावा मिट जाला सभी तुम्हारा सावणी मा बैठी माता सरती सावणी मा बैठी माता सरती तुम्हारी तो ये एक यहाँ पर तीर्थ पुरोहित जो युवा तीर्थ पुरोहित हैं उन लोग का ग्रुप था जो भजनों के माध्यम से माँ गंगा के भजनों को गा करके जो श्रद्धालु तीर्थ यात्री यहाँ पर आए हैं उनको भावुक कर दे रहे हैं। जो दूसरा भजन था वो गढ़वाली भाषा में था, उसका अर्थ ये था कि गंगा मैया में के स्थान पे आकर के माँ गंगा में स्नान करके वो पुण्य कमाए, इस तरीके से उसका भावार्थ उस गढ़वाली भजन का भावार्थ था। हमारे साथ इस वक्त ये गंगोत्री धाम है उसके तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति के सचिव मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे काफी संख्या में काफी तादाद में इस बार जो तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं क्या कुछ सुविधाएं हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। सचिव साहब काफी संख्या में इस बार जो है काफी भीड़ भड़ाका तीर्थयात्रियों की आमद देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप समझिए चार धाम की जो यात्रा आती है वो पूरी एक रीढ़ है इकोनॉमी की और तमाम हजारों करोड़ों लोग उस पर पलते हैं। और आपने देखा कि सनातन को अपनी हम लोग संस्कृति को बचाने के साथ साथ पूजा पद्धति को करने के साथ साथ यात्रियों की सेवा को करने के साथ साथ आपने देखा कि एक यूथ की जो टीम हमारी है वो निरंतर भगवती गंगा का गुणगान करती है, तो हम माँ गंगा का गुणगान करते हुए निरंतर यात्रियों की सेवा भी करते हैं। और श्रद्धालु तीर्थयात्री इस बार बड़ी संख्या में आ रहे हैं, व्यवस्थाएं सब चाक चौबंद है और मैं सबका धन्यवाद करता हूं। आप सब लोग पधारें, गंगा मैया के दर्शन करें, स्नान करें, तर्पण करें, पूजा करें और बिल्कुल आप जो है सौभाग्यशाली बने। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय गंगा। आप भी तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ पर जो संख्या एक संख्या पे अगर बात की जाए प्रतिदिन कुल कितने तीर्थयात्री लगभग आ रहे होंगे? यहाँ पे तो कम से कम 10,000 यात्री प्रत्येक दिन आ रही है और सभी की हम लोग उचित व्यवस्था करने पे जुटे हुए हैं। पूरी मंदिर समिति, यहाँ का पंडा समाज, सभी लोग यात्रियों को पूरी सुविधा के अनुसार उनको जो है दर्शन करवा रहे हैं और सभी यात्री महानुभाव का जो है स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम पिछले सालों की अगर तुलना करें, सचिव साहब से ही प्रश्न पूछ लेते हैं, पिछले साल की अगर तुलना करें तो क्या इस वर्ष जो है तीर्थयात्रियों की संख्या में कुछ हिसाब आप देख रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, विगत वर्ष भी बहुत यात्री आया और इस वर्ष भी संख्या बढ़ रही है और मैं तो उसके लिए धन्यवाद देता हूँ गडकरी को और मोदी को भी, जो रोड है उन्होंने बहुत अच्छी कर दी है।
अगर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन गई है तो यात्री सुलभता से आएगा। तो सरकार का भी धन्यवाद इस माध्यम से, आपके माध्यम से करना चाहूंगा। और यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। और अच्छा, मौसम की प्रतिकूलता रही है, हालांकि आज तो मौसम सही है, उसके बाद भी श्रद्धा में कहीं कमी नहीं देखना महाराज? यही तो है धर्म, जो है वो यही चीज है। श्रद्धा सब पर भारी है, श्रद्धा का कोई तोड़ नहीं है। कितना ठंड हो तब भी गंगा में डुबकी लगाते हैं। जब आप अगर एक लोटा जल डालो तो सर बिल्कुल फट जाता है, तब भी यात्री स्नान करता है। तो आप बताइए, क्या श्रद्धा के सामने कोई बात नहीं टिकती है, मेरा मानना है। कुल मिलाकर के ये थे सचिव और तीर्थ पुरोहित यहाँ पर गंगोत्री धाम के। इनका कहना है श्रद्धा के आगे सब कुछ नतमस्तक है, यानी कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी जो तीर्थयात्रियों का जमा बड़ा है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। प्रति दिवस जो संख्या है तीर्थयात्रियों की वो उसमें इजाफा हो रहा है। जैसा कि तीर्थ पुरोहितों के द्वारा बनाया गया गंगा में स्नान मार्जन तर्पण इत्यादि करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए आह्वान गंगोत्री मंदिर समिति का है कि हर प्रदेश का तीर्थयात्री, देश हो विदेश हो, वो यहाँ पर आए और माँ गंगा के दर्शन करें।